जो स्टैग्नेशन यानी कि जो हमारे रुकावट या स्थिरता थी एग्रीकल्चर सेक्टर में कि वो बढ़ नहीं रहा था उसका मेन रीज़न क्या था जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी यानी कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस वजह से स्थिर था तो फर्स्ट उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी जो कि बिल्कुल गलत है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते तो वो रुका हुआ थोड़ी होता इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फैसिलिटी गलत एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गलत फोर्थ इज़ सेटलमेंट सिस्टम लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसमें उन्होंने जमींदारी सिस्टम लेके आए थे उसकी वजह से गाइज़ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद था उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्ट जो एजर्शन एंड रीजनिंग का है गाइज एजर्शन इन्होंने दी है एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक बोले तो इंडियन कंपनी बाय अ फॉरन कंपनी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कोई भी गाइज हमारी इंडियन कंपनी को फॉरन कंपनी टेक ओवर करती है तो जो भी पैसा आएगा गाइज वो क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आएगा तो देखो जब भी अगर हमारे यहाँ से कोई भी कंपनी अगर बाहर की कंपनी टेक ओवर करेगी तो इंडिया में वो पैसा लेके आएगी तो ऑफ कोर्स इनकम जो है वो क्रेडिट साइड आती है तो ये तो बात सही है रीज़न में उन्होंने बोला इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ अ फॉरन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक हमारे यहाँ से पैसा क्यों जाएगा हमारे पास तो फ़ॉरन एक्सचेंज आएगा तो रीज़न तो गलत है एजर्शन सही है अब सी ऑप्शन एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स वो होगा इसके बाद जो गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सपोज इन एन इकॉनमी द इनिशियल डिपॉजिट फोर हंड्रेड करोड़ लीड्स टू क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट वर्थ चार हजार करोड़ यानी कि मैं चार सौ रुपये लगाऊंगी और वो कितने की बच... टोटल डिपॉजिट बन जाएगी 4000 की 400 रुपए लगाने पर 4000 बन गए तो कितना मुझे मल्टीपल मिला यानी कि 400 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 4000 बन जाएंगे तो सिंपल है 10 से तो हमारा मल्टीप्लायर कितना आ गया 10 आ गया अब आगे इन्होंने हमसे पूछा क्या है अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी तो गाइस मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन में लीगल रिजर्व रेशियो अब हमें लीगल रिजर्व रेशियो अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा वन में मल्टीप्लायर तो वन में टेन अगर आप करोगे तो जीरो पॉइंट वन आंसर आएगा जो कि सी है ठीक है बहुत आसान इजी सा क्वेश्चन था उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जो है अगेन एजर्शन का है मेजर पॉलिसी इनिशियव लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम अ सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन यस गाइस जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म सिस्टम आया था उसने हम लोगों को सक्षम तो बनाया था फूड ग्रेन मामलों में अदरवाइज हम लोग किस पर डिपेंड थे यूएसए पर डिपेंड थे उसके बाद ये एजर्शन तो बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है उसके बाद रीज़न क्या कह रहा है द प्रोशन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ये बात भी सच है गाइस कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर ही काम कर रही थी यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें सर्विस सेक्टर की बात करें तो उस पर लोग नहीं गए थे लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे यानी कि खेती पर डिपेंड थे तो दोनों बातें सही तो है बट क्या एजर्शन जो भी हम तथ्य लगा रहे हैं उसके पीछे का रीजन ये है तो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी का जो हम एजर्शन है उसको आप पढ़ो तो क्या लिखा है मेजर पॉलिसी initiate help india to become a self-sufficient in food grain production because the, pro the proportion of people depending on agriculture डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर तो रीज़न जो है गाइज अपने में सही है बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेशन नहीं है क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि हमें सेल्फ फ़ूड ग्रेन में हम सेल्फ सफिशेंट बने हैं ठीक है तो उसका रीज़न ये नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लोग उसी पर काम कर रहे थे उसका रीज़न क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो क्रांति आई थी कि हम लोग इतना अच्छा सीड्स यूज़ करने लगे थे हाँ इरीगेशन फैसिलिटी थी सारी चीज़ों की वजह से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था इस वजह से नहीं कि जो लोग काम कर रहे वही कर रहे थे तो इसका आंसर होगा बी दोनों बातें सही हैं बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है गाइज इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है डाइवर्सिफ़िकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल पॉपुलेशन तो येस ये बात तो सही है कि डाइवर्सिफ़िकेशन जो आया था गाइज फिशरीज़ में हॉर्टीकल्चर्स में हमने सिर्फ खेती नहीं करी और अलग अलग चीज़ें जो करने लगे थे उससे रूरल पॉपुलेशन को फ़ायदा हुआ डाइवर्सिफ़िकेशन इंक्लूड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न बिल्कुल शिफ्ट ऑफ वर्क फ्रॉ वर्क फ्राम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज़ बिल्कुल बीग स्टेटमेंट भी सही है सी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर रेवेन्यू यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटी इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल पॉपुलेशन ये कुछ बात हजम नहीं हो रही कि भाई ऑब्जेक्टिव जो था हमारा ये ऑब्जेक्टिव ये नहीं था न्यू एग्रीकल्चर इसमें इन्वेस्ट करना कि रिस्क हमारा बढ़ जाए तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है यानी कि ट्वेंटी का सी स्टेटमेंट हमारा गलत है उसके बाद है गाइज ट्वेंटी नाइन्थ जिसमें एजर्शन एंड रीजन है एजर्शन एंड रीजन में वो क्या कहते हैं ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग एस अन टू एन एंड यानी कि ह्यूमन कैपिटल को बच्चे ऐसे ट्रीट किया जाता है मतलब माना जाता है कि ह्यूमन बींग एज अ मीन टू एन एंड इनक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में हमारा ह्यूमन कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है बिल्कुल रहता है और आखिर में उसी के ऊपर हम डिपेंड होते हैं कितनी अच्छी मशीन्स लगा ले, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा तो एज तो ट्रू है सेकेंड वो रीज़न क्या कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेज़ बाई वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ नो no वेज हमारा ह्यूमन कैपिटल यानी कि आज अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं ह्यूमन कैपिटल अगर हमारी नॉलेज है हमारी एबिलिटी है हमारा स्किल है तो पढ़े लिखे होने की वजह से और हेल्थ में पैसा लगाने की वजह से है इसलिए नहीं कि पैसा ना लगाओ और पढ़े लिखोगे नहीं तो स्किल आ जाएगा तो रीज़न दो गलत है तो एजर्शन ट्रू है गाइज रीज़न फॉल्स है यानी कि ट्वेंटी का सी थर्टी क्वेश्चन क्या है गाइज माह इसमें हमें क्या बोला है स्टेटमेंट गिवन इन अ कॉलम वन एंड कॉलम टू उसका करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट हमें आमने सामने मैच करना है और हमें देखना है कि किसके बारे में सही बात बोली गई है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट था डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन नो अगर आप देखो तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो नहीं इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था पोषण अभियान यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट ये कैसी बात कर रहे हो भाई पोषण अभियान यानी कि हमें अगर मिड डे मील मिलेगा तो क्या उसका उद्देश्य वेज एम्प्लॉयमेंट है नो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन यस, गाइस ये ज़रूर था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि 1995 में आया था जिसमें हम एल्डरली पीपल और विडो लेडीज के लिए पेंशन की स्कीम लेके आए थे तो इसका आंसर क्या होगा सी होगा ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी वन गाइज बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को बेसिकली क्या देखना है कि किस किस राज्य में यानी कि किस किस स्टेट में जो है पॉवर्टी बहुत अधिक कम हुई है तो सबसे पहले तो मुझे ग्राफ देखते ही समझ आ रहा है जिसमें सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर का डाटा और ग्यारह बारह का दिया है यानी कि हमें उन्नीस सौ तिहत्तर चौहत्तर को किससे कंपेयर करना है दो हज़ार ग्यारह बारह से तो यहाँ तो देखते ही समझ आ रहा है पहला तो आंध्र प्रदेश है ठीक है दूसरा अगर हम चेक करें जिसमें सबसे ज़्यादा कम हुआ है तमिलनाडु है ठीक है और अगर थर्ड हम लोग देखें तो देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपको अगर ऑप्शन देखोगे ए बी सी डी में ए में भी नज़र आ रहा है और डी में भी नज़र आ रहा है तो यानी कि आंसर ए और डी में से होने वाला है क्यों क्योंकि आंध्र प्रदेश भी ए में है आंध्र प्रदेश डी में भी है तमिलनाडु ए में है तमिलनाडु डी में भी है अब हम कैसे आगे पता लगाएं तो अब हम एक एक और चेक करते हैं कि ए में गुजरात बिहार बोला है तो देखो गुजरात में कोई कम नहीं हुआ और बिहार में भी कोई पॉवर्टी लाइन से कम नहीं हुई पॉवर्टी तो ए ऑप्शन तो नहीं है अब हम डी पर आते हैं तो अब हम चेक करते हैं डी में उन्होंने वेस्ट बंगाल बोला तो वेस्ट बंगाल में यस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है तो यानी कि थर्टी वन का आंसर क्या होगा डी होगा तो आप इस तरीके से भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप जो चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल है लाइक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल आप देख सकते हो और उसमें से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो उसके बाद आएगा इस क्वेश्चन नंबर थर्टी टू जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी क्योंकि इसके लिए हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी ठीक है और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री गाइज़ द गोल ऑफ जो कि एजर्शन एंड रीजनिंग का है इजी सा है। द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वॉज़ फुली सर्व बाय अबोल्यूशन ऑफ़ इंटरमीडियट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि इन्होंने बोला जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ लैंड था हमारा गोल कि भाई सबको लैंड मिले सबको ज़मीन मिले एग्रीकल्चर की वो पूरी तरीके से पूरा हो गया था हमारा ये गोल कैसे पूरा हुआ था बाय अबोल्यूशन ऑफ़ इंटरमीडियट तो ऐसा नहीं है गाइस पूरी तरीके से हमारा ये गोल सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो एजर्शन गलत है कमी आई थी बहुत सारे बीच में लैंड ने बहुत सारे ज़मींदार्स ने इसमें कमी करी थी तो एजर्शन तो फॉल्स है रीज़न क्या दिया बिग लैंड लॉर्ड चैलेंज द लैंड सीलिंग लेगिस्लेशन डिलिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली स्केपिंग फ्रॉम द लेगिस्लेशन येस दिस इज द राइट कि ये चीज़ें हुई थी रीज़न सही है बट एजर्शन जो वो बात कह रहे हैं कि फुली अगर अप्लाई हुआ था तो वो गलत है तो इसका डी आंसर होगा एजर्शन गलत है रीजन सही है थर्टी फोर है गाइज थर्टी फोर में इन्होंने हमसे पूछा द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्श्योर द रिडक्शन इन द फीचर्स ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप था क्या गाइज सेल्फ़ हेल्प ग्रुप था जिसमें हमारा इन्होंने बोला था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपस में आप लोग पैसे मिलाओ और एक दूसरे की हेल्प करो और बिजनेस स्टार्ट करो ठीक है लेकिन क्या इसने दरार को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम की दरार को यानी कि भरा कमी को पूरा किया तो यस, ये बात सही है कि जब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे तो उन्हें लोन लेने की नीड नहीं थी तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है सेकेंड उन्होंने बोला द बोरिंग फ्रॉम एस एस जी मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पन पर्पज़ बाई इट्स मेम्बर तो येस गाइस सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि इसमें यह था कि जनरली लोग जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे वो सिर्फ कंजम्पन पर्पज़ के लिए ही करते थे वो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं इतना कर पाते थे तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू ऑप्शन ए होगा उसके बाद है गाइस इस थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जिसमें स्टेटमेंट वन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय रिजर्व रेशो प्रिवेलिंग इन दी मॉनिटर सिस्टम जो हमारा मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है वो रिजर्व रेशो से पता चलता है ये बिकॉज मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है वन अपॉन में एल आर आर दैट इज लीगल रिजर्व रेशो तो ये बात तो उन्होंने सही कही है स्टेटमेंट टू कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट टू दी वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशो जो हमारा क्रेडिट uh, क्रिएशन होता है कि इकॉनमी में कितना क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा वो इस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशो तो ऐसा नहीं है गाइस डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है ठीक है तो थर्टी फाइव का गाइस हम लोग सी करेंगे स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स थर्टी सिक्स का क्या है गाइस अरेंज करना है हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो आपको डेट ज़रूर पता होनी चाहिए द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड गाइस कब आता है नाइनटीन ट्वेंटी वन में एस्टैबलिशमेंट ऑफ़ टिस्को टिस्को कब आई थी गाइस उन्नीस सौ सात में ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे अट्ठारह सौ पचास में रेलवे आया था एंड ओपनिंग ऑफ सिर्स कैनल एटीन सिक्सटी नाइन में तो सबसे पहले तो रेलवे आया था दैट इज़ थर्ड उसके बाद कौन आया एटीन सिक्सटी नाइन में ओपनिंग ऑफ सिर्स कैनल देन हमारी टिस्को देन हमारा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा ठीक है सो so, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है जो लास्ट है वो हम करके ख़त्म करते हैं जिसमें एजर्शन इन्होंने दी है ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम बिटवीन टू नेशन इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट नो गाइस इनविजिबल आइटम करंट अकाउंट का पार्ट होता है ट्रेड जो इनविजिबल आइटम में हम करते हैं वो करंट अकाउंट का पार्ट है तो एजर्शन तो गलत है ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन येस एसेट एंड कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है गाइज उसे हम क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है ठीक है तो इसमें एज फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है तो इसका ऑप्शन डी होगा आई होप गाइज आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चन इसी तरीके से तैयारी करनी है अपने एम की और जो भी डाउट है आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं थैंक यू